तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ना एकदम नई तरीके की बर्फी की रेसिपी लेके आई हूँ। मुझे लगता है आप लोगों ने नहीं बनाई होगी, या बनाई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने एक ये नॉन स्टिक ले लिया है, उसमें 1 कप दूध डाला है और जो कप से मैंने दूध लिया है उसी कप से माप के मैंने ये मिल्क पाउडर लिया है। और ठंडे दूध में ही ये मिल्क पाउडर को मिला लेना है। गर्म दूध में अगर हम ये मिल्क पाउडर मिलाते हैं तो उसमें गुठलियाँ हो जाती है। तो देखिए मैंने ये मिला दिया है इसे, और अब मैं गैस को चालू करूँगी। और जैसे ही ये गर्म होने लग जाए ना पैन, इसे जल्दी जल्दी चलाना है। ये मिल्क पाउडर है तो ये कढ़ाई के पैंदे में या फिर जो भी हमने नॉन स्टिक लिया है उसमें थोड़ा थोड़ा ये चिपकने लग जाता है नॉन स्टिक में। तो इसे अच्छे से चलाते रहना है। और देखिए रबड़ी बन गई है, हमें रबड़ी नहीं चाहिए इसकी, तो हमें चाहिए इसका मावा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चलाते चलाते अच्छे से इसका मावा बहुत जल्दी बन जाता है मिल्क पाउडर का। यही हम दूध से बनाते तो बहुत टाइम लगता। और अब इसे हम रख देंगे साइड में। एक पपैया लिया है, पपीता मैंने पका हुआ लिया है, लेकिन एकदम जो नरम रहता है ना हाथ में लेते ही दब जाता, वैसा नहीं लेना है। थोड़ा सा कड़क रहेगा ना ऊपर से छिलके निकालते टाइम, देखिए थोड़ा मुझे हार्ड लग रहा है निकालने के टाइम पे, इतना कड़क ये पपैया लेना है। और इसे अच्छे से छील लेना है, मैंने धो के रखा था इससे अच्छे साफ करके। और दोनों साइड से इसे कट कर देना है। और अभी बीच में से इसे कट कर देंगे और इसके जितने भी बीज वगैरह है वो सब निकाल देंगे। तो मैंने इसे कट कर लिया है और देखिए इसे बीज बीज तो है ही नहीं इसमें, एक ही बीज है इसमें। और अब मैं इसके जो ये छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद दाने लग रहे हैं ना वो भी निकाल देना है इसमें से। अगर थोड़े बड़े हैं तो वो कड़वे लगने लगते हैं, इसलिए मैं ये निकाल रही हूँ। और जो हम बर्फी बना रहे हैं ना उसमें फिर ये दाने नज़र आएंगे, इसलिए मैंने इन्हें निकाल दिया है। और अब मैं इसे कट कर रही हूँ। तो पहले मैं लंबे लंबे कट कर रही हूँ इन्हें, ताकि हम इन्हें जब मिक्सी के जार में काटें तो एकदम छोटे छोटे से कट करें और ये अच्छे से पीस जाए, इसलिए मैं छोटे पीस करके इन्हें कट कर रही हूँ। और मिक्सी के जार में मैंने सब डाल दिए हैं और इसका एक पेस्ट बना लेना है, अच्छे से पीस लेना है इसे। तो देखिए मैंने इसे पीस लिया है और ये कितना अच्छा, एकदम कलर भी इसका कितना अच्छा है और बहुत फाइन ये पीस गया है फ्रेंड्स। अब ये कढ़ाई रख दी है मैंने गैस पे और इसमें मैं डाल रही हूँ घी। तो ये घर में बनाया हुआ घी है, जस्ट अभी बनाया है मैंने ये वीडियो चालू करने से पहले। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो ये हमने पपई का पेस्ट बना के रखा था ना, वो मैंने इसमें डाल दिया है। 2 चम्मच ही घी लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। और इसे अच्छे से हमें सेकना है, तो इसे इतना सेकना है कि इसमें जो भी जूस या ये इसका पानी रहेगा ना वो एकदम सूख जाना चाहिए। और ये तो हमें पकाते पकाते एकदम गाढ़ा हो जाना चाहिए, इतना पतला हमें नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बना रही हूँ पपीहे की बर्फी, तो वो बर्फी के लिए हमें इतना गीला तो ये नहीं चाहिए। तो देखिए पकाते पकाते ये धीरे धीरे इसका पानी कम होने लगा है और ये गाढ़ा होने लगा है। तो देखिए अभी ये एकदम टाइट सा हो गया है। अब इस स्टेज पे हमें इसमें जो भी हमें इंग्रेडिएंट डालना है वो हम इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। तो मीठा आप देखिए, पपैया मीठा रहता है और जो हमने मावा बनाया है तो वो मिल्क पाउडर का बनाया है, वो भी थोड़ा मीठा रहता है। तो आप अपना मीठा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। चीनी कितनी डालनी है उस हिसाब से आप डालिएगा। तो मैंने ये मावा भी हाथ से मसल के डाल दिया है, ये रखा था तो थोड़ा ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद मावा एकदम इसमें दाने आ जाते हैं, तो इसे अच्छे से मसल लेना है चम्मच के साथ। तो ये पपई का जो भी हमने पेस्ट इसे गर्म करके रखा था उसमें ये चीनी और ये जो मावा है हमें अच्छे से मसल के और इसे एकदम पेस्ट बना लेना है। तो देखिए मैंने इसे मसल मसल के अच्छे से दबा के आप मसलेंगे ना तो ये आराम से इसमें मिक्स हो जाता है। और अब मैं डाल रही हूँ डेसिकेटेड नारियल। तो ये मैंने 1 कटोरी नारियल भी डाल दिया है इसमें, पाउडर डाल दिया है नारियल का, और इसे भी मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स नारियल डालने से एक तो बर्फ़ी ज़्यादा हो जाएगी और ऊपर से ये जो थोड़ा बहुत अगर गीला रहता है ना तो वो भी थोड़ा कम गीला रहेगा और टाइट हो जाएगा। वैसे आप सेकते जाएंगे इसको पपई के घोल को तो ये आराम से टाइट होते जाता है, टाइम लेता है, लेकिन बर्फ़ी बहुत टेस्टी बनती है। अब मैंने इसमें डाल दिया है इलायची पाउडर और ये डालने के बाद देखिए हमारे बन गया है। मैंने ये लिया है एक डिब्बा, इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया था और अब मैं इसमें ये जमा रही हूँ।
तो एक केक का मोल्ड है, इसमें मैं जमा रही हूँ फ्रेंड्स, इसे सेट कर देना है। ऊपर से मैं पिस्ते डाल रही हूँ थोड़े से कट करके, और उसे चम्मच से मैं प्रेस करके दबा के रख दूंगी, और 3 घंटे के लिए मैं इसे सेट होने के लिए रख दूंगी। तो ये सेट भी हो जाएगी और आपको कट करके भी दिखा दूंगी। उससे पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ ना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो देखिए, ये बर्फी मैंने 3 घंटे बाद ले ली है इसे, और ये अच्छे से सेट हो गई है। अभी मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान है, टाइम लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये बर्फी, पपैये की बर्फी है। और आप एक बार बनाएंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपने बनाई है या नहीं बनाई है, या पहली बार बना रहे हैं तो कैसी बनी है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो कल फिर आती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।